मोदी ने सुरक्षा मामलों के कैबिनेट कमेटी की बैठक की। रावत के उत्तराधिकारी को लेकर हुई चर्चा। 8 दिसंबर देश के लिए एक बड़ी दुर्घटना का दिन साबित हुआ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत की खबर ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। सवाल उठता है कि खाली हुए इस पद के दावेदार अब कौन है। देश की सुरक्षा की अहम जिम्मेदारी अब किसके कंधों पर होगी। बिपिन रावत की मौत की खबर से सरकार और देश दोनों ही सदमे में है, लेकिन सवाल देश की सुरक्षा का है। इस दुर्घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाम करीब 6:30 बजे सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक की। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कमेटी के सदस्य शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में बिपिन रावत की जगह नए सीडीएस के नाम पर चर्चा हुई। सीनियरिटी के हिसाब से जनरल एमएम नरवड़े की दावेदारी सबसे मजबूत दिख रही है। आइए जानते हैं नए सीडीएस को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट क्या कहते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट सुशांत सरीन ने बताया, सरकार किसे अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चुनेगी यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ संभावना जरूर व्यक्त की जा सकती है। यह पद इतना अहम है कि किसी सीनियर और अनुभवी अधिकारी को ही इसके लिए चुना जा सकता है। इस लिहाज से देखें तो तीनों सेनाओं आर्मी नेवी और एयरफोर्स के चीफ इसके प्रबल दावेदार हैं। डिफेंस एक्सपर्ट सरीन कहते हैं, देखिए किसे चुना जाए इसका कोई बना बनाया ढांचा नहीं है, लेकिन संभावनाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि तीनों सेना प्रमुखों में से सबसे सीनियर और अनुभवी व्यक्ति को चुना जा सकता है। इस लिहाज से नौसेना अधिकारी एडमिरल करमवीर सिंह सबसे जूनियर हैं। बचे थल सेना और वायुसेना के प्रमुख। थल सेना प्रमुख जनरल मुकुंद नरवड़े और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। इन दोनों में भी अगर अनुभव और सीनियरिटी देखें, एमएम नरवड़े की दावेदारी सबसे पुख्ता लगती है। नरवड़े 60 साल के हो चुके हैं। उन्हें जनरल बिपिन रावत के बाद सेना प्रमुख नियुक्त किया गया था। नरवड़े मिलिट्री वॉरफेयर के सबसे बड़े जानकार हैं। हालांकि डिफेंस एक्सपर्ट इस बात पर भी जोर देते हैं कि यह केंद्र सरकार तय करेगी कि कौन बिपिन रावत के बाद खाली हुए पद पर नियुक्त होगा। उसके अपने मानक होंगे। कौन है एमएम नरवड़े? जनरल नरवड़े मौजूदा समय में सेना प्रमुख हैं। इसके पहले वो सेना के उत्तरी कमांड के प्रमुख थे। सेना में अपने 4 दशक के कार्यकाल में नरवड़े ने कई चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियों को संभाला है। उन्होंने कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट राज्यों में अपनी तैनाती के दौरान आतंकी गतिविधियों को रोकने में अहम भूमिका निभाई है। नरवड़े श्रीलंका में 1987 के दौरान चलाए गए ऑपरेशन पवन में पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा रह चुके हैं। जनरल एमएम नरवड़े ने 1 सितंबर को भारतीय सेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया था। आपको बता दें, नरवड़े के पिता भी वायुसेना से रिटायर हुए थे। नरवड़े पूरे से ताल्लुक रखते हैं। नरवड़े राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पास आउट है। जून 1980 में सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की 7वीं बटालियन में ये शामिल हुए थे। नरवड़े की सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में काम करने का अनुभव है। उनके पिता मुकुंद नरवड़े भारतीय वायुसेना से रिटायर हुए थे। उनकी माँ सुधा नरवड़े लेखिका और न्यूज ब्रॉडकास्ट थी। पूरे के ऑल इंडिया रेडियो से वो जुड़ी हुई थी। पिछले साल ही उनका निधन हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल नरवड़े ने पूरे के ज्ञान प्रबोधनी पाठशाला से पढ़ाई की है। स्कूल के दिनों में उनकी रुचि पेंटिंग और खेलों में भी थी। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज। तब तक के लिए धन्यवाद।